नमस्कार साथियों, टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय प्रबंधन की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज के बाद की शुरुआत मैं एक फिल्मी गाने से कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। आप सब भी सुनिए इस गीत के कुछ लाइंस, इससे समय को समझने में और भी आसानी होगी। तो सुनिए। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे से मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह हो शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आपको याद होगा कि टाइम मैनेजमेंट की पहली कड़ी में मैंने एक बात कही थी कि समय प्रबंधन की पहली अर्थात फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शर्त है ध्यान से सुनना, और यदि ऐसा हमने नहीं किया तो समय तो उतना ही लग जाएगा पर बात ठीक से समझ में नहीं आएगी। और साफ साफ कहें तो हमने टाइम मैनेजमेंट को जानने में भी टाइम को बर्बाद कर दिया, पर समय तो अनंत अविनाशी और सर्वकालिक है, तो समय को कहाँ बर्बाद कर पाएंगे। सच कहें तो हमने अपने हिस्से की उतनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो एक बार फिर से आग्रह है कि टाइम मैनेजमेंट की हर एक कड़ी को ध्यान से सुनेंगे तभी बातें समझ में आएंगी और समय का सदुपयोग होगा। यह कहना भी उचित होगा कि सिर्फ ध्यान से सुनिए ही नहीं, बल्कि सुनने के बाद यदि इस पर विचार भी करेंगे तो बात को समझने में और भी आसानी होगी। और यदि फिर भी कोई आशंका हो तो किसी जानकार से पूछ लें, क्योंकि पूछने में क्या हर्ज है। लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि एक तो हम किसी से पूछते नहीं, और पूछते भी हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे खुद भी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो यदि सलाह लेनी ही हो तो वैसे ही लें जैसे कि जिंदगी की छोटी छोटी बातों के लिए करते हैं, जैसे बाल कटाने के लिए किसी अच्छे नाई के पास जाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए अच्छे टेलर के पास, गाड़ी चलाने के लिए अच्छे ड्राइवर के पास। लेकिन समय, या कहें कि जिंदगी जो सबसे कीमती है, उसे चलाने के लिए कुछ खास नहीं। विद्यालयों में भी है तो जीवन विद्या या नैतिक शिक्षा अतिरिक्त विषय के ही रूप में पढ़ाई जाती है, और जिसमें मेरे ख्याल से पास होना भी जरूरी नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। संसार का प्रायः हर आदमी यह कहता है कि मुझे झूठ भर से सख्त नफरत है। अब हर आदमी को जब झूठ बोलने से सख्त नफरत है तो आखिर झूठ बोलता कौन है? और यदि कोई नहीं बोलते तब तो राम राजी को पूछे कौन, सतयुग ही आ गया होता। घर घर में खास करके माता पिता और दादा दादी वगैरह तो बच्चों को रात दिन इस बात की घुट्टी पिला रहे हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। और स्कूल कॉलेजों के बोर्ड ही नहीं बल्कि दीवारों में भी नीति वचन के भंडार हैं, पर असर कितना हो रहा है हम सबको पता है। लगभग अधिकांश लोग अपने अपने हिस्से का ही नहीं बल्कि दूसरों के हिस्से का भी झूठ बोल दे रहे हैं, और जिसका मुख्य कारण है हमारी कथनी और करनी में अंतर होना। पहले जमाने में तो झूठ सीखना थोड़ा कठिन भी था, पर अब खासकर मोबाइल आ जाने के बाद जब हम घर में ही रहते हुए बात करने के समय झूठ की झड़ी लगाएंगे तो हमारे बच्चे 5 मिनट के लेक्चर से सीखेंगे या कि हमारे 5 घंटे में कही गई कई झूठी बातों से। अब कोई पूछ सकता है कि इन बातों का टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन से क्या वास्ता है, पर वास्ता है इसीलिए कह रहा हूँ।
क्योंकि जब तक हम ईमानदारी से ध्यान से सुनेंगे नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। और हम चाहे जिस भी उम्र के हैं, अगर जैसा अब तक कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे तो हम फिर से चूकेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जरा इस बात पर भी गौर करें कि किसी भी अन्य जीव जंतु या जानवर को जिन्हें चोर चंडाल तक को पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी टाइम मैनेजमेंट सिखाने की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि पूछिए मत। और किसी का यदि बिगड़ भी गया होगा तो कारण हम मनुष्य ही होंगे। अपने टाइम मैनेजमेंट के कारण जीव जंतु या जानवर बीमार भी बहुत कम होते हैं, और यदि हो गए तो सबसे पहले वो खाना छोड़ते हैं और हम दवा खाना चालू करते हैं। ये बात भी तय है कि जिस दिन उन्हें हम लोगों से टाइम मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत पड़ी तो उनकी भी वही गति होगी जो हमारी हुई है। आपको लग रहा होगा कि टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक्स में टाइम मैनेजमेंट के अलावा सारी बातें हो रही हैं, पर इन बातों की ज़रूरत है इसलिए ही कह रहा हूँ। याद रखें कि यदि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही हो गया तो हमारा टाइमिंग ठीक होते ही स्वास्थ्य, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, रिलेशनशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहें कि जीवन ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि समय ही जीवन है। इस बात को भी याद रखें कि जीवन को ठीक करने के लिए सिर्फ कुछ मिनटों की व्याख्यान सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, पर यदि बात समझ में आ गई तो कठिन भी नहीं है। इसका सूत्र तो बहुत सरल सा है, पर सूत्र जानने से पहले की तैयारी में ध्यान, धैर्य और नियत का होना बहुत जरूरी है। अभी जो भी बात बोली जा रही है उसे आप इसकी न्यू फाउंडेशन या बुनियाद मान सकते हैं, और आपको पता ही है कि बुनियाद जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ही बुलंद। और इसलिए इसके पार्ट वन, और हो सके तो मेरी एक और वीडियो या ऑडियो जो भी कहें, जीना इसी का नाम है, को भी ध्यान एवं धैर्य पूर्वक सुने। ये दोनों आपके टाइम मैनेजमेंट की नींव को मजबूत करेंगे। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी को विद्याध्ययन करते हुए कुछ वर्ष बीत जाने के पश्चात विद्यार्थी को ऐसा लगने लगा कि अब वह बहुत कुछ सीख चुका है, बस एक बात और कि यदि जीवन के परम लक्ष्य को पाने का मंत्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और वह अपने गुरु से इसके लिए कई बार निवेदन भी कर चुका था, पर गुरु बोलते कि जैसे ही तुम में पात्रता आएगी तुम्हें दे दिया जाएगा। गुरु की समझाइश से शिष्य थोड़ा उदास हो जाता था, पर दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। कुछ दिन बाद वह गुरु से फिर आग्रह किया तो गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम करना, कल सुबह तुम मेरे गुरु के पास चले जाना और वो तुम्हें जीवन का परम मंत्र दे देंगे, पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन गुरु के आदेशानुसार जाने से पहले उनसे मिलने गया तो गुरु ने उसे लकड़ी की एक छोटी सी बॉक्स यानी पेटी देकर कहा कि इस पेटी को मेरे गुरु को दे देना, पर एक बात याद रखना, रास्ते में इस पेटी को खोलना नहीं। बॉक्स कवर्ड था, उसमें लैच यानी सिटकिनी भी लगी हुई थी, पर ताला नहीं लगा था। गुरु ने फिर से एक बार हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए पर इसे खोलना नहीं। शिष्य गुरु को दंडवत प्रणाम कर उनके गुरु से मिलने रवाना हुआ, और साधारणतः जैसा होता है रास्ते में वह जैसे जैसे बढ़ता गया उसका मन उस पेटी में क्या है यह देखने को उतावला होते गया। मन तर्क देने लगा कि बॉक्स का सिर्फ ढक्कन लगा है, खोल के देख भी लेगा तो किसी को क्या पता चलेगा, पर बुद्धि कहता कि नहीं, गुरु का आदेश है, देखना ठीक नहीं होगा। और जैसा अक्सर होता है कि मन और बुद्धि के बीच जब द्वंद्व होता है तो बुद्धि हार जाती है और मन जीत जाता है। शिष्य का मन भी जीत गया और उसने गुरुकुल पहुंचने के पहले ही बॉक्स को खोल कर देखा, पर यह क्या, उसने जैसे ही ढक्कन खोला एक चूहा कूद कर भाग गया।
शिष्य कुछ समझ पाता इसके पहले ही चूहा कहीं गायब। अब रास्ते में कोई और चूहा पकड़ के उसमें रखना भी आसान नहीं था, तो वह खाली पेटी को लेकर ही गुरुकुल पहुंचा और अपने गुरु को प्रणाम कर पेटी को उन्हें सौंप दिया। गुरु के गुरु ने पेटी खोलकर देखा तो वह खाली था, तो अपने शिष्य के शिष्य की ओर देखते हुए कहा कि चूहा संभल नहीं रहा है, जीवन के परम मंत्र को कैसे संभाल पाओगे। कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, पर एक विचारणीय सवाल पैदा कर जाती है कि किसी भी काम को अच्छी तरह से निपटाने के लिए धैर्य और ईमानदारी अति आवश्यक है। साथियों, हम सब यह भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अहमियत उसकी वैल्यू पर निर्भर करती है। यदि कोई हमें गिफ्ट में कांच का एक छोटा सा पर चमकदार गुलदस्ता देता है तो हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से उसे ड्राइंग रूम में कुछ फूल लगाकर रख देंगे। लेकिन दूसरे दिन यदि गुलदस्ता देने वाला यह कहता है कि मैं बताना भूल गया था, पर याद रखना कि उस गुलदस्ते में करीब 50,000 का हीरा भी जड़ा हुआ है, और यदि आपको यह भी पता हो कि उस देने वाले की हैसियत भी है कि वह हीरा लगा हुआ गुलदस्ता दे सकता है, तो अब बताइए कि आप उस गुलदस्ते को क्या वैसा ही रख पाएंगे जैसा उसे पहले रखे थे? बिल्कुल नहीं। पर हुआ क्या, एक तो उसकी कीमत बदल गई और दूसरा आपको पता भी चल गया। पर उसी गुलदस्ता को वही बात बता के किसी पागल को दे दिया जाए तो वह क्या करेगा, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से समय के बारे में कुछ और बातें जानना ठीक रहेगा। जैसे कि पार्ट वन में बताया गया है कि एक दिन में 24 घंटा 1440 मिनट या 86,400 सेकेंड तो सबके लिए बराबर है, पर वक्त एक जैसा नहीं गुजरता, ऐसा हमारे मन की स्थिति के मुताबिक हमें ऐसा लगता है। आप सबको अनुभव होगा कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी लगती हैं, पर अपने प्रियजनों से घंटों का मिलना भी मिनटों में निपट गया लगता है। किसी से मिलते हैं तो बिछड़ न जाएं ऐसा लगता है, पर किसी से मिलके ऐसा भी लगता है कि कब इससे छुटकारा मिले। इस बात का भी अनुभव होगा कि किसी की शोक सभा में 2 मिनट के लिए मौन होकर खड़े रहने में ही कितने लोग कितनी बार घड़ी देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन में ट्रेन लेट हो तो स्टेशन के प्लेटफार्म के एकदम किनारे में खड़े होकर ट्रेन आ रही है या नहीं ऐसा बार बार देखना, ये सब क्या है। पढ़ाई के लिए मुश्किल से उठ पाना और क्रिकेट या ओलंपियाड देखने के लिए बिना अलार्म के उठ जाना, आखिर कौन कराता है ये सब? टाइम मैनेजमेंट सीखने की इच्छा तो है, पर इसके बारे में सुनने या जानने के लिए समय निकालने में मुश्किलों का महसूस होना कौन कराता है? या ऐसा क्यों और किसे लगता है कि दवा की एक पुड़िया जैसी कोई चीज़ मिल जाए और टाइम मैनेजमेंट सीख ली जाए? निश्चित रूप से हमारे चंचल मन को। तो समय प्रबंधन पर आने के पहले हमें अपने मन को भी जानना जरूरी है कि हमारा मन कब और कैसे काम करता है। पर मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ यदि हमें ठीक से हो गई तब तो सिर्फ करना भर बाकी रहेगा, और वो भी चुटकी में। आज की वार्ता भी लंबी ना हो जाए इसलिए अब विदा लेने की आज्ञा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि इसकी तीसरी कड़ी को लेकर शीघ्र हाजिर होऊंगा। आप सब स्वस्थ एवं मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मैनेजमेंट की यह श्रृंखला उपयोगी लगे तो अपने से जुड़े हुए लोगों को शेयर अवश्य करें। सत श्री अकाल एवं जय जय महाकाल। धन्यवाद।